वेलकम बैक दोस्तों। Redmi Note 10 Pro Max को टक्कर देने वाला अभी तक कोई भी नहीं था और ना ही है अभी फिलहाल 20,000 की रेंज में, लेकिन एक ऑप्शन आता है 20,000 की रेंज में जिससे हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें लगा करके रखी थी, लेकिन जो कुछ हुआ वो आप सभी लोग जानते हो। फिर भी हम लोग Realme 8 Pro को Redmi Note 10 Pro Max के साथ में कंपेयर करते देखते हैं ना Realme 8 Pro के ऐसे कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जो कि अभी भी सांस ले रहे Redmi Note 10 Pro Max के सामने। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना। चलिए वीडियो पे आगे बढ़ते हैं, यूर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल टेक एक्सनर, चलिए जानते हैं कुछ बढ़िया डिजाइन और वेट की बात करते हैं। दोस्तों Realme 8 Pro आपको 176 ग्राम का मिलता है, 8.1 mm की थिकनेस मिल जाती है, प्लास्टिक का बैक है, प्लास्टिक का फ्रेम है, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आपको अभी मिल जाता है। Redmi Note 10 Pro Max की अगर मैं बात करूं 192 ग्राम का वेट मिलता है, 8.1 mm की थिकनेस मिल जाती है, ग्लास का बैक है, प्लास्टिक का फ्रेम है, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है। देखो डिजाइन वाइज मुझे दोनों स्मार्टफोन बेटर लगे क्योंकि दोनों ही ब्रांड्स ने अपने फोन में कुछ नया ट्राई किया है और इस मामले में Note 10 Pro Max आगे रहेगा अपने इवोल्व डिजाइन को लेकर। एक नया सा ट्रेंडी डिजाइन है बैक पैनल का जहां वर्टिकली चार कैमरास की हाउसिंग है, फ्रंट साइड सेंटर पंच होल है, बेजल्स चिन वगैरह इस बार रेडमी ने 25% तक डिक्रीज किया है। ओवरऑल प्रेटी गुड लुकिंग डिजाइन। टॉकिंग अबाउट रियलमी 8 प्रो, यहां पर स्क्वायर शेप्ड चार कैमरास की हाउसिंग है, फ्रंट साइड टॉप लेफ्ट कॉर्नर पंच होल है, सेम एज रियलमी 7 प्रो। टॉक अबाउट बिल्ड क्वालिटी, Realme ने एक जनरेशन पहले से मतलब Realme 7 Pro से ही आपको प्लास्टिक बेल्ट देना शुरू कर दिया था और इसी रीति रिवाजों पर अभी भी Realme चल रहा है। इसके अपोजिट Redmi Note 10 Pro Max तरक्की की राह पे क्योंकि यहाँ पे आपको ग्लास का बेल्ट देखने को मिल जाता है जिससे थोड़ा सा प्रीमियम फील करवाता है आपको। 3.5 mm का ऑडियो जैक और कार्ड स्लॉट, ये दो चीज़ें आपको दोनों स्मार्टफोन के अंदर मिलती है, लेकिन स्टीरियो स्पीकर्स आपको सिर्फ Redmi Note 10 Pro Max के अंदर प्रोवाइड किया जा रहा है। डिस्प्ले की बात करते हैं दोस्तों, Redmi Note 10 Pro Max के अंदर 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले का सपोर्ट मिलता है और स्क्रीन का रिफ्रेश रेट है 120 हर्ट्ज का, 20:9 का एस्पेक्ट रेशो है, कॉर्निंग ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाता है। Realme 8 Pro की अगर मैं बात करूं 6.4 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले का सपोर्ट मिलता है, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 20:9 का एस्पेक्ट रेशो है, कॉर्निंग ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिल जाता है। दोनों फोन में कुछ चीजें तो एकदम सिमिलर सी मिल रही है सच एज डिस्प्ले रिजोल्यूशन, डिस्प्ले क्वालिटी एंड एस्पेक्ट रेशो, लेकिन कुछ चीजों में Realme 8 Redmi Note 10 Pro Max से काफी पीछे है। पहला तो स्क्रीन का साइज हो गया और दूसरा स्क्रीन का रिफ्रेश रेट। 120 हर्ट्ज डिस्प्ले के सामने 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को कौन पूछता है आज के जमाने में। 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस आपको Note 10 Pro Max के अंदर मिल रही है जबकि 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस आपको Realme 8 Pro के अंदर प्रोवाइड की जा रही है। सीरियसली हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की बात करें, Redmi Note 10 Pro Max के अंदर Snapdragon 732G वाला SoC मिलता है जो कि 8 नैनोमीटर प्रोसेस पे बना है, साथ ही 2.3 GHz की मैक्सिमम CPU फ्रिक्वेंसी प्रोवाइड करता है, Adreno 618 एज अ GPU मिलता है और Android 11 बेस्ड MIUI 12 एज अ सॉफ्टवेयर मिल जाता है। बात करते हैं Realme 8 Pro की, यहाँ पे आपको Snapdragon 720G मिलता है जो कि 8 नैनोमीटर प्रोसेस पे बना है, साथ ही 2.3 GHz की मैक्सिमम CPU फ्रिक्वेंसी प्रोवाइड करता है, Adreno 618 आपको यहाँ पे भी मिलता है, Android 11 बेस्ड Realme UI 2.0 ऐसा सॉफ्टवेयर मिल जाता है। देखो पिछली कंपैरिजन वीडियोस में हमने बात की थी कि Snapdragon 732G Snapdragon 730G से 15% बेटर GPU और 100 MHz बेटर CPU फ्रिक्वेंसी के साथ में आता है। Snapdragon 732G और Snapdragon 720G दोनों ही 8 नैनोमीटर प्रोसेस पे बने हुए हैं और दोनों में CPU फ्रिक्वेंसी भी एक जैसी ही आपको मिलती है, लेकिन Snapdragon 732G अपने Cryo 470 बेस्ड कोर को यूज़ करता है जबकि Snapdragon 720G अपने Cryo 465 बेस्ड कोर को यूज़ करता है। जब Snapdragon 732G Snapdragon 730G से बेटर है तो भाई Snapdragon 720G तो दूर की बात है। हाँ, अगर Realme अपने 8 Pro के अंदर Snapdragon 732G अवेलेबल करवा देता तो यहाँ पे समीकरण कुछ और होते, लेकिन आप क्या करें। टॉकिंग अबाउट सॉफ्टवेयर, ये डिपार्टमेंट थोड़ा सा उल्टा हो गया क्योंकि यहाँ पे आपको मिल रहा है Realme UI 2.0 Realme 8 Pro के अंदर। अगर आपको एक रिफाइंड सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहिए तो आप Realme UI 2.0 वाले Realme 8 Pro के साथ में जा सकते हो। Android 11 तो आपको दोनों के अंदर मिल रहा है, लेकिन MIUI 12 आपको मिलता है Note 10 Pro Max के अंदर। अगर आपके अंदर एड्स और ब्लॉटवेयर को झेलने की ताकत है तो उस सिचुएशन में Note 10 Pro Max आपके लिए बेटर रहेगा क्योंकि कभी कभी एड्स आते हैं, कभी कभी एड्स नहीं आते, और जो MIUI 12.5 आने वाला है उसके अंदर तो आपको ब्लॉटवेयर को अनस्टॉल करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन
एड्स वगैरह से आप छुटकारा नहीं पा सकते। खैर वो तो समय बताएगा। बाकी आपको दोनों के अंदर LPDDR 4X RAM का सपोर्ट मिलता है और UFS 2.1 का नेटिव स्टोरेज Realme 8 Pro के अंदर मिलता है। UFS 2.2 आपको मिलता है Note 10 Pro Max के अंदर। कैमरास की बात करते हैं, Redmi Note 10 Pro Max के अंदर 108MP का क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, 16MP की सेल्फी मिल जाती है। Realme 8 Pro के अंदर भी 108MP क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है और 16MP की सेल्फी मिल जाती है। देखो कैमरास के केस में सिमिलैरिटीज दोनों के अंदर बहुत सी है, सच एज 108MP Samsung ISOCELL HM2 सेंसर, 8MP अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2MP डेप्थ सेंसर। लेकिन जो डिफरेंस है उसके नाम पर सिर्फ 5MP का सुपर माइक्रो लेंस Redmi Note 10 Pro Max के अंदर है, और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा नहीं करती है, फिर भी डिफरेंस तो है ही ना भाई। 4K वीडियोस को आप लोग दोनों ही स्मार्टफोन के रियर कैमरा से रिकॉर्ड कर सकते हो 30fps पे, और 1080p वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो आप फ्रंट कैमरा से। बैटरी की बात करते हैं दोस्तों, आपको Redmi Note 10 Pro Max के अंदर 5020 mAh वाली बैटरी मिलती है और 33W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। Realme 8 Pro के अंदर 4500 mAh वाली बैटरी के साथ में 50W की सुपर डट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल रहा है। इस डिपार्टमेंट में अगर आप मुझसे पूछोगे कि बेस्ट बैटरी कॉम्बिनेशन कौन से स्मार्टफोन में है, तो मैं बोलूंगा भाई Redmi Note 10 Pro Max के अंदर है। क्योंकि दोस्तों एक बड़ी सी जानवर जैसी बैटरी है, मतलब एक इन्वर्टर ही साथ लेकर के चल रहे हो आप एक तरीके से, कुछ ज्यादा हो गया। जानवर जैसी बैटरी तो मैं बोल सकता हूँ इसको। साथ ही साथ अगर बैटरी खत्म हो जाती है तो 33W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, जो कि एकदम ना ज्यादा है और ना ही एकदम कम है। लेकिन हाँ, जिन्हें 50W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ में 4500mAh वाली बैटरी जमती है, तो वो Realme 8 Pro के साथ में जा सकते हैं। कंक्लूजन, तो आप लोग कंपेरिजन शुरू होने से पहले ही जान गए थे, यहाँ पे Redmi Note 10 Pro Max के अंदर वो बात है जो कि Realme 8 Pro के अंदर नहीं है। क्या हाइप क्रिएट की थी भाई Realme 8 सीरीज ने। ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था हैशटैग Realme 8 सीरीज, और हमने भी कहीं ना कहीं सोचा था कि भाई Realme 8 सीरीज इस बार धमाका करने वाली है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली। एनीवे, यदि आपके लिए परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, बैटरी और लुक्स ये ज़्यादा मायने रखते हैं, तो Note 10 Pro Max आपके लिए बना हुआ है। लेकिन यदि आपको एक रिफाइंड सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहिए और एक बेहतर फास्ट चार्जिंग की सुविधा चाहिए अपने फ़ोन के अंदर, तो आपके लिए है Realme 8 Pro। लेकिन मुझे पता है मैक्सिमम लोग जाएंगे Redmi Note 10 Pro Max के साथ में, एम आई राइट? सो आप लोग बताना आपको ये कंपेरिजन किस तरीके का लगा, और आपके हिसाब से इस कंपेरिजन का विनर कौन सा लग सकता था। आई ऑब्वियसली कई लोगों को तो Redmi Note 10 Pro Max पसंद आया होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे ही भी होंगे जिन्हें Realme 8 Pro पसंद आया होगा। तो सबका अपना अपना ओपिनियन होता है भाई, किसी का गलत होता है, किसी का सही होता है। तो उस हिसाब से अगर आपको भी पता है ऐसा कोई चीज़, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को बता सकते हो। चीज़ नहीं मतलब, तो भाई ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि डेली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके डेली बेसिस पे। तो फिलहाल मिलेंगे अपने अगले टेक वीडियो में, तब तक के लिए बाय।